संभल के चंदौसी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में गणेश महापूजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजन किया गया। पिछले 60 वर्षों से आयोजित होने वाला मेला गणेश चतुर्थी इस बार कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा रहा, जिसके कारण पिछले 60 वर्षों की परंपरा पर इस बार रोक लग गई। लेकिन कोरोना वायरस के बीच जनपद संभल के चंदौसी में सीता रोड पर स्थित गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश महापूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर घेरे बनाए गए थे, जिसमें एक घेरे में एक ही व्यक्ति खड़ा था। गणेश मेला आयोजन कमेटी के संस्थापक डॉक्टर गिरिराज किशोर ने बताया कि पिछले कई दशक से गणेश मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन कोरोना नामक बीमारी के कारण इस बार मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा। लेकिन परंपरा न टूटे, इसलिए केवल गणेश महापूजन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसी विषय में मेला आयोजन कमेटी के सदस्य मनोज कुमार मीनू ने बताया कि महापूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही पूजन किया है तथा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। उसी में हर वर्ष गणेश उत्सव मनाया जाता है और गणेश मेला भी किया जाता है, जो कि कोरोना काल के वजह 2 वर्ष से नहीं लग रहा है। और गणेश चतुर्थी का पूजा अर्चना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से मनाएगी। इसमें क्या कहेंगे आप? ये गणेश पर्व हमारा लगभग 60 साल से कंटिन्यूस चल रहा है। 60 साल में अब तक ऐसा कोई भी वर्ष नहीं आया, एक्सेप्ट ये कोविड दौरान जो मेला हम लोग नहीं कर पाए। पिछले वर्ष भी हम लोग मेला नहीं कर पाए क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी सरकार से कि हमें मेला करना है। लेकिन पूजा का कार्यक्रम हमने पिछले वर्ष भी किया और इस वर्ष भी हमने और हर्षोल्लास से किया। चंदौसी की जनता ने काफ़ी सहयोग दिया, उन्होंने घर घर गणपति विराजे, अच्छे हिसाब से अच्छे तरीके से उन्होंने पूजा की है। मेले का जब तक हम लोग, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं होती जब तक हम मेला करने में असमर्थ हैं। चतुर्थी का अवसर पर यहाँ पर हर वर्ष धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, इस वर्ष भी की गई, क्या कहेंगे इसमें? इस वर्ष तो उतना मज़ा नहीं आया जितना हर साल आता था, ना तो उतने दर्शक हैं गवर्नमेंट की पाबंदियों की वजह से, ना हम अपना आर्ट दिखा पाए ना झांकी दिखा पाए, क्योंकि झांकी पर पाबंदी लगी हुई है। तो जो कुछ है पूजा में, जो कुछ आदमी आ सके, जो कुछ पब्लिक आ सके, वही आप देख रहे हैं। ना हमें मज़ा आया, ना पब्लिक को मज़ा आया, ना पूजा में आनंद आया। कैसा कुछ संदेश देना चाहेंगे शहर की जनता को? संदेश तो भैया यही है जो गणेश जी का संदेश है, सर्व सुख संपन्न रहो, शांतिपूर्वक रहो, अपने शांत रहो और दूसरों को शांत रखो, अपना कार्य करते रहो और दूसरों को मतलब अवसर दो कार्य करने का।